100% हिस्सा जो सिर्फ परेशानी में और सोचों में लगा हुआ था, वो 70% तो किसी और काम में लगेगा ना। पहले की तरह से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं आपने लगानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मलिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त अपनी जात के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाता है और दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं, शुरू होती है, उस वक्त क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए सीधे मायनों में कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एक्सेप्ट कर लें इस बात को कि अब जिंदगी में कुछ भी आप आगे करेंगे, कोई भी मामला बनेगा, रिश्ते की सूरत में, कारोबार की सूरत में, कमाई की सूरत में, घर बार की सूरत में, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहना। सबसे पहले पहले वाली जिंदगी को आपने ऐसे डब्बे में कहीं बंद कर देना है और रख देना है। पहले की तरह से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं आपने लगानी। इसके बाद आपने कोई छोटी सी सही कोई जॉब शुरू करनी है जिससे आप घर से बाहर निकल जाए। बहुत सारे लोगों की स्केपिंग स्ट्रैटेजी यानी परेशानी से भागने की स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो सारा दिन सोते पड़े रहते हैं। नई जॉब करने से ये होगा कि बेशक आपको उसमें उतना पैसा नहीं मिल रहा कि आपकी नीड्स पूरी हो, मगर एटलीस्ट आप घर से बाहर जाएंगे, आपकी फिजिकल मूवमेंट होगी, एटलीस्ट आप एक ही जगह बैठ के एक ही चीज नहीं सोचते रहेंगे। जब आप बाहर जाएंगे तो आप बाहर और लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपके जहन का वो 100% हिस्सा जो सिर्फ परेशानी में और सोचों में लगा हुआ था, वो 70% तो किसी और काम में लगेगा ना। तो फॉर द स्टार्ट आपको एक बिजीनेस मिलेगी। सबसे ज्यादा सबसे पहले जो लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले कहती हूँ कि जॉब ढूंढो, चाहे वो किसी रिसेप्शनिस्ट की भी हो, क्योंकि एटलीस्ट यू विल स्टार्ट बीइंग बिजी। और ये जिंदगी शुरू करना बिल्कुल जीरो से सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। ये वो लोग भी नई जिंदगी शुरू करते हैं जिन लोगों की डिवोर्स हुई होती है, वो लोग भी नई जिंदगी शुरू करते हैं जिनके माँ बाप उन्होंने खो दिए होते हैं, किसी अपने प्यारे की मौत वाक्य हो जाती है, इन सब वाक्यात के बाद भी अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी होती है। तो अगर आपके साथ ये सब कुछ भी हो जाए तो आपने जो जो बातें मैं अभी करने लगी हूं वो सब कुछ करनी है। सबसे पहले आप नई जॉब ढूंढें ताकि आप घर से बाहर जाए, घर से बाहर जाना शुरू करें। नई जॉब इसलिए क्योंकि आपको नए लोग मिलेंगे और नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में जो बेस्ट आदत अपनाई ना, क्योंकि उस वक्त तो वक्त बड़ा बुरा लग रहा होता है, जब वो वक्त गुजर जाता है तो आपको पता चलता है यार अगर वो वक्त ना आता ना तो आज मैं वो दुआ नहीं होती जो मैं उससे पहले थी, मुझे तो जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले आपने नए लोग अपनी जिंदगी में लाने हैं, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। वो नेबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके काम पे लोग भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल जनरली रैंडम पीपल भी हो सकते हैं। एनीवन हु हिट्स योर हार्ट, एनीवन हुम यू सी who's doing a nice act of kindness, just go to them and say hi. लोगों से मिलना शुरू करें। और इस वक्त आपने, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं और नए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, तो इस वक्त आपने किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप जिससे मिल रहे हैं उसको आपने 100 में से 100 ही नंबर देने हैं। किसी को आप 70% मतलब नंबर देंगे या किसी को 60 नंबर देंगे, किसी को 50 नंबर देंगे, ये वही लोग होते हैं जो होते 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 आगे जाके इनके मशवरों से, इनकी बातों से, कहीं ना कहीं कोई बंदा 5% आपकी हेल्प कर रहा होता है, कोई बंदा 10% आपकी हेल्प कर रहा होता है, कोई 50% आपकी हेल्प कर रहा होता है आगे जाके जिंदगी में। इन लोगों को समेट के रखना होता है आपने, इन लोगों को अपने से थोड़ा करीब रखना होता है आपने, इनकी खैर खैरियत आपने पूछती रहनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जागे में जब हम नई जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं तो आपको किसी ना किसी की कोई ना कोई बात दिल पे ऐसी हिट कर जाती है कि आपकी लाइफ बेटर होना शुरू हो जाती है। एक और एक 11 होते हैं ना,
जब हम एक इंसान से मिलते हैं तो कोई ना कोई बात बन जाती है, कोई आइडिया जनरेट हो जाता है, कोई बात ऐसी आपको हिट कर जाती है कि आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो हमें नए लोगों से जरूर मिलना है, और बुरा वक्त वैसे ही जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में कहा कि कोयले को कचरे को निकाल देता है और हीरे हमारे सामने ला के रख देता है। तो छांटी तो पहली जिंदगी में बुरे वक्त में हो चुकी होती है, मगर जब हम वाजे तौर पे डिसाइड कर लेते हैं कि अब नई जिंदगी बनानी है तो फिर हमें मिलना ही नए लोगों से चाहिए। ठीक है, नई प्लेसेस डिस्कवर करें। इट कुड बी एनी स्मॉल पार्क। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। कोई छोटा सा पार्क हो सकता है, कोई छोटी सी जगह हो सकती है, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिस जिस जिसके पास कोई ऐसा टैलेंट हो जो एक्सेप्शनल हो, आप जाके उससे मिलें। अगर आपका कोई दोस्त आपको अपनी किसी दोस्त के बारे में बताए कि यार इसकी ये आदत बड़ी अच्छी है, अब तो पता ही क्या काम करता है, कितना एक्सेप्शनल काम है, जाएं मिलें। अपने रास्ते आपने खुले रखने हैं हमेशा। और जब हम अपनी जिंदगी नई बनाना शुरू करते हैं ना, तो ये बात याद रखें कि इस वक्त आपने डेयर, यू हैव टू बी डेयरिंग, डेयर टू डू वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू। आपको नहीं भी दिल चाह रहा होता, आपको डर लग रहा होता है, ये वो ही वक्त होता है जब जहाज पे आपको ऊपर लेके जाते हैं ना, और वो लगाते हैं आपको, पैराशूट लगाते हैं, और वो पीछे से बंदा खड़ा होता है और वो कहता है 1 2 3 और धक्का लगा मार देता है आपको। ये वही वक्त होता है ऊपर जो आप जहाज पे खड़े होते हैं। इस वक्त आपको कर देना होता है, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला जब इस महाज पे लाके खड़ा करता है तो हिम्मत भी खुद ही दे देता है। वो हिम्मत आपने अपने अंदर ढूंढनी है। अगर आप अपनी जिंदगी स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आपने वो सारे काम करने होंगे जिनको करने से आपको बहुत डर लगा करता था। अब डरने की गुंजाइश नहीं रही, इन हालात में डरने की गुंजाइश नहीं रहती। दूसरा कि एक्सेप्ट करें चेंज को और एम्ब्रेस करें, यानी कि जब हम नई जिंदगी बनाते हैं हमें पता चल गया कि अब हमने नई जिंदगी हम बनाने लगे हैं, तो याद रखें बात कि पुरानी जिंदगी को डब्बे में बंद कर दें और फेंक दें। क्योंकि ना अब आपका माहौल वैसा पहले जैसा हो सकता है, इसलिए उस माहौल को याद करने की कोई तुक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ना अब आपके रिश्ते वैसे हो सकते हैं, इसलिए अब उन रिश्तों को याद करने का फायदा नहीं है। ना अब आपकी माशी हालात वैसे हो सकते हैं, इसलिए अब पुराने माशी हालात को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पास से तो आप निकल जाए ना। आपने अगर जिंदगी अपनी नए स्क्रैच से शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने सिर्फ हाल में रहना है, क्योंकि इस वक्त आपको फ्यूचर का भी कुछ नहीं पता। फ्यूचर के लिए आपने दुआ करनी है, और पास जैसा दोबारा कुछ हो नहीं सकता, तो छोड़ दें, हाल में रहना शुरू हो जाए। और एवरी डे अल्लाह ताला कहता है तुम शुक्रगुजारी करो, मैं तुम्हें और दूंगा। खुदा ने कुरान में ये बात लिख दी, और जो कुरान में लिखा है वो तो पत्थर पे लकीर है ना, खत्म हो गई बात, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ, बस वही है जो है। तो इन हालात में जब आपको चार सू कोई उम्मीद नजर ना आए, कोई मदद नजर ना आए, तो आपने वो सारी चीजें याद करनी है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, और इन सब पे शुक्रगुजारी करनी है। और याद रखिए कि जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं है। जिंदगी मंजिल नहीं है, सफर है, मरते दम तक सफर है। अगर आप ये अंदर अपने एक बेचैनी लेके बैठे रहेंगे कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो याद रखिए उस मंजिल पर जाके भी आप एक और मंजिल को देखना शुरू कर देंगे, और आपको वहां जाने का शौक हो जाएगा। तो ये मंजिल कभी नहीं मिली, मंजिल वो है, बस मंजिल वो है, और ये बेस्ट वक्त है उससे कनेक्ट होने का। अमूमन ये वक्त दिया इसलिए जाता है कि ऊपर देख बेटा मैं हूं, कोई नहीं है तेरा और मेरे सिवा। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको हिट की गई होंगी। और क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, मगर एक दूसरे को बताते नहीं हैं क्योंकि हम डरते हैं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर ये छुपी हुई जंग कोई भी आपका जानने वाला लड़ रहा है और आपको बता नहीं सकता, तो शायद इस वीडियो के जरिए उसकी मदद हो जाए।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।